इस मामले से आगे बढ़ते हैं। फिर आपका एक टॉप ऑर्डर तो एक सेट समझ में आ रहा है हमें। मिडिल ऑर्डर की अगर बात की जाए तो मिडिल ऑर्डर में आपके पास अभी इस वक्त कौन सा ऐसा बैट्समैन है अपार्ट फ्रॉम बाबर जो आपको लगेगा कि यार he walks into the 11 apart from Babar and Sarfaraz। अब आपके पास आगा सलमान का भी ऑप्शन है, आपके पास क्या कहते हैं आगा सलमान का ऑप्शन है, आपके पास मोहम्मद रिजवान का ऑप्शन है, सऊद शकील का ऑप्शन है। मेरे लिहाज से इमाम आ गया, आपके अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम और फिर शाह शकील और सरफराज अहमद से आपका टॉप 6 बनता है। आई थिंक ये बात तो प्रीटी स्टैंडर्ड है कि ये आपका वॉक इन होगा। आई थिंक जो हम लोग को ट्रबल होगा मेरे लिहाज से वो ये जज करना होगा कि आपने 2 स्पिनर खिलाने हैं या 4 सीमर खिलाने। मोहम्मद अब्बास का होना आई थिंक वुड हैव बीन इम्पैक्टफुल। वहाब रियाज के मुताबिक जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा था कि उन्होंने मोहम्मद अब्बास को इससे सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि हसन अली की बॉल रिवर्स स्विंग में ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। मेरे लिहाज से थोड़ा अजीब हो जाता है क्योंकि मेरे लिहाज से दोनों की बॉल में काफ़ी अच्छा खासा स्विंग है। अगर आपको याद होगा मोहम्मद अब्बास की अबू धाबी में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो उसने बॉलिंग स्पेल कराई थी, उसने आई डोंट नो कितनी विकेट, आई थिंक 8-9 विकटें ली थी, ऐसी कुछ किया था उसने। 10 विकटें ली थी उसने। तो वो प्योर रिवर्स स्विंग बॉलिंग थी। तो टू से के मोहम्मद अब्बास कैन नॉट रिवर्स स्विंग द बॉल एज मच एज हसन अली वुड बी एबल टू, ऑल्दो हसन अली ने ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट मैचेस नहीं खेले। फिर एक और बात आती है मोहम्मद वसीम जूनियर की। तो मुझे क्या लगता है कि ये आपका जो लेटर पार्ट है जो बॉलिंग का, क्योंकि आपके 3 सीमर तो फिट हो जाएंगे, आपके शाहीन शाह अफरीदी होगा। और बाकी क्या लगता है कि ये जो लेटर पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11 है इसमें कौन फिट होता है? देखो बॉलिंग जो है ना वो तो उसमें भी एक आपको मसले आएंगे क्योंकि अब आप अगर स्क्वाड का शेप देखें तो उसमें आपने फ़हीम को भी रखा हुआ है, आपने आमिर जमाल को भी रखा हुआ है, आपने वसीम जूनियर को भी रखा हुआ है। ठीक है, ये तीनों एक तरीके से तीनों एक ही तरह के बॉलर हैं। सही है। फिर उसके बाद आपके पास नए बॉल पे शाहीन के अलावा आपके पास देखा जाए तो मीर हमज़ा का ऑप्शन है और हसन अली का ऑप्शन है। अब देखना ये है कि ये नए बॉल किससे शेयर करवाते हैं, हसन अली से करवाते हैं कि मीर हमज़ा से करवाते हैं। जो बात देखने में आई है या जो सुना है मैंने जितना हफीज़ को या वहाब को, ऐसा लग रहा है कि वो मीर हमज़ा को एज अ बैकअप लेके गए हैं, उनके माइंड में वो प्लेइंग 11 में नहीं है। तो दैट मीन्स कि वो हसन अली को रखेंगे या शायद वो खुर्रम को डेब्यू करवा दें क्योंकि खुर्रम शहजाद भी नए बॉल का बॉलर है। तो अगर आपके पास ये 2 नए बॉल के बॉलर हैं तो आप फिर एक ऑलराउंडर ये पक्का खिलाएंगे। अब उसमें देखना ये है कि वो वसीम जूनियर को खिलाते हैं या फ़हीम को खिलाते हैं। बैटिंग एज फ़हीम का ज़्यादा है तो आई थिंक फ़हीम विल मेक इट इनटू द टीम। सही है। तो ये आपके 3 पेसर हो गए। उसके बाद आपके पास अगर आपने 6 बैटर पहले डिसाइड कर लिए तो 7 में फ़हीम हो गया, फिर आपका नुमान हो गया 8 और फिर आपके शाहीन और हसन हो गए। आपके पास फिर भी एक बॉलर की गुंजाइश बचती है। ठीक है, अब वो देखना है कि अबरार भी है ना, तो आई डोंट थिंक अबरार और नुमान को ये बिठाएंगे, दोनों खेलेंगे। अब डिसाइड ये करना है कि सलमान अली आगा के साथ जाना है एज अ 5th स्पिनर या 5th बॉलर या नुमान को एज अ स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाना है क्योंकि डिसाइडिंग फैक्टर यही है। बाकी आपकी टीम आप यू कैन मेक सेंस ऑफ इट कि ये बनने वाली है। हमें ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगा ओपनिंग में, अब्दुल्ला भी पहले नहीं खेला हुआ और इमाम भी टेस्ट मैचेस नहीं खेला हुआ है वहाँ पे, उसने T20 के मैचेस खेले थे एंड वी नो कि वो कितना वर्नेबल है शॉर्ट बॉल पे। तो वैसे तो खैर हमारे बैटर ज़्यादातर आगे की बॉल पे आउट होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, मगर शॉर्ट बॉल पे वो बहुत ही हल्का है। तो मेरे हिसाब से तो उसकी ऑस्ट्रेलिया में मुझे नहीं समझ आई कि उसको सेलेक्ट पहली बात किया क्यों है, क्योंकि वो जितना वर्नेबल है बाउंसी पिचेस पे, ठीक है कि वो हमारे लोकल कंडीशंस में उसने फिर भी थोड़े बहुत रन किए हैं, बट ही स्ट्रगल्स अगेंस्ट पेस, तो उसकी सिलेक्शन बनती नहीं थी। बट क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंसी के तौर पे रख ली है तो आई एम प्रीटी श्योर कि ये 1-2 टेस्ट के बाद यू नो दे विल हैव टू मेक अ चेंज, क्योंकि उससे परफॉर्म मुझे नहीं लगता उस तरह से हो पाएगा। जहाँ तक बात अब्बास की है तो हमारे चीफ सेलेक्टर साहब कह रहे हैं कि जी कि अब्बास जो है वो सीम बॉलर है, तो वो सीमिंग विकेट्स पे अच्छी कराता है। ऑस्ट्रेलिया में सीमिंग विकेट नहीं होती, ऑस्ट्रेलिया में जो है ना आपको पटक के बॉल करानी होती है। तो उसमें ये है कि हसन अली जो है वो पटक के बॉल कराते हैं, सही है, आमिर जमाल हैं, वसीम जूनियर हैं, ये सब पटक के बॉल कराते हैं, तो इसलिए इनकी सिलेक्शन हुई है। अब्बास पटक के बॉल नहीं कराते और उनकी पेस नहीं है, इसलिए उनकी सिलेक्शन नहीं हुई। अब पूछने वाली बात यह कि खुर्रम शहजाद कौन सी पटक के बॉल कराते हैं जो इनकी सिलेक्शन हुई है? वो भाई नए बॉल का बॉलर है, आगे से वो स्विंग करके बॉल करता है वो, ठीक है। अभी आपने वो देखा होगा सिनेरियो मैचेस जो हैं उसमें उन्होंने 1-2 शॉर्ट ऑफ अ लेंथ बॉल कराई है वहाँ पे, तो वो थोड़ा सा यू नो उसने तंग किया है बैटर्स को। मगर बात फिर वही है कि ये काम तो अब्बास भी कर सकता है ना। हमारा मसला ये है कि हम लोग चाहे एक्सपीरियंस बॉलिंग लेके जाएं या हम इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लेके जाएं, हमें आज तक एज अ टीम यही समझ में नहीं आया कि ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे किन लाइन लेंथ पे बॉलिंग करानी है। हमारे जब लेजेंड बॉलर्स भी जब वहाँ जाते थे ना तो उनको भी समझ में नहीं आती थी कि भाई कि हमें शॉर्ट ऑफ अ गुड लेंथ बॉल करानी है, आगे बॉल करानी है, खिंचा हुआ बॉल कराना है, क्या कराना है यहाँ पे, और वो हमें मज़े से धोते थे। अब उमर गुल और सईद अजमल के इंडक्शन इस लिहाज से अच्छा है कि दोनों को ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो उस लिहाज से आई थिंक के बॉलिंग को शायद थोड़ी सी मदद मिले कि यू नो किस तरह की बॉलिंग करानी, क्योंकि मार आपको बहुत अच्छे से पड़ने वाली है वहाँ पे, इसका तो हमें कंफर्म पता है कि वहाँ पे बहुत अच्छे से मार पड़ने वाली है और हमने जो है ना वो लंबी लंबी बॉलिंग करानी है वहाँ पे। कि यार मुझे जो प्लेइंग 11 नज़र आ रही है ना, तो कॉम्बिनेशन ये लोग 4 हैं जो हफीज़ आमिर जमाल को इतना पुश करते हैं, ये आज से नहीं, जो 1.5 साल से वो पुश कर रहे हैं। जो उन्होंने एक T20 खेला था इंग्लैंड के अगेंस्ट और उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था मोइन अली को लास्ट ओवर में, तो उस वक्त से वो उनके फ़ैन है। तो मुझे ऐसा लगता है ऑलराउंडर में ये फ़हीम और आमिर जमाल के साथ जाएंगे और हसन और शाहीन के साथ जाएंगे, 4 पेसर्स तो ये खिलाएंगे। शायद ये इंक्लूड कर दे अबरार को, क्योंकि अबरार एक एज तो देता है, वो आपको मिस्ट्री स्पिनर है, वो आपको एक एज देगा। बाकी मुझे जो इन सब में बकरा बनता हुआ नज़र आ रहा है जो ड्रॉप होगा वो आगा सलमान है, क्योंकि वही नंबर 6 या 7 पे खेलता है। आप कीपर को तो ड्रॉप नहीं करेंगे, 6 पे आपका सरफराज खेलेगा, 7 पे ये फ़हीम, फिर आमिर जमाल के बाद अबरार और शाहीन और हसन। तो ये मुझे जो लाइनअप है ना ये मुझे नज़र आ रही है। बाकी आपकी जो ऊपर की बैटिंग है वो इमाम, अब्दुल्ला, शान और बाबर, फिर आपके पास सऊद शकील आगा और सरफराज आगा। अब इमाम को मुझे लगता है इमाम को अपनी गेम भी चेंज करनी पड़ेगी, जो हफीज़ इतना पुश करता है ना कि अटैकिंग क्रिकेट, तो मुझे लगता है साइम को इसी चक्कर में लाए कि उनको पता चले कि भाई तुम्हारा एक बैकअप है, तुम जैसे खेलते हो ना साइम वैसे नहीं खेलता। तो मुझे लगता है वो एक तलवार जो लटकने वाली है इमाम-उल-हक पे साइम अयूब की शक्ल में, तो वो तो लटकी रहेगी और वो मुझे लगता है खिला भी देंगे, शायद पहला टेस्ट भी खिला देंगे।